जेसीआई शिवपुरी स्वर्णा ने वैक्सीनेशन शिविर गैलेक्सी होटल के पीछे लगाया गया। जेसीआई की महिला अध्यक्ष प्रियंका शिवहरे ने बताया कि इस कैंप के आयोजन करने का मकसद ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों का टीकाकरण कर इस कोरोना से बचाना है। संस्था की ओर से आने वाले समय में टीकाकरण कैंप आयोजित किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने कहा, जेसीआई शिवपुरी स्वर्णा सामाजिक कार्यों में अग्रसर है। हर कार्य में जेसीआई शिवपुरी स्वर्णा द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। उन्होंने कहा, शहर को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए ऐसे ही संस्था आगे कार्य करती रहेगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। दीदी, आज जेसीआई शिवपुरी स्वर्णा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के हर कार्य में भाग ले रही हैं और आज ये जो वैक्सीनेशन करवा रही है। मैं सभी महिलाओं को धन्यवाद उनमें वैक्सीनेशन का जो आयोजन किया जा रहा है, किस संबंध किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं सभी को मेरा जेसी अभिवादन। मैं जेसी प्रियंका शिवहरे, अध्यक्ष जेसीआई शिवपुरी स्वर्णा 2023। आज हम लोगों ने यहाँ पे जैनम मेडिकल पे महल कॉलोनी स्थित वैक्सीनेशन का एक शिविर का आयोजन किया गया। हमारा शिविर लगाने का उद्देश्य केवल यही रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग, जो कि कुछ समय से हमारे यहाँ जो कोरोना बीमारी चल रही थी उससे जो कई लोग जूझ रहे थे, और हमारा उद्देश्य केवल यही रहा है कि बूस्टर लगाने से वो लोग, उनको लाभ मिले और अधिक से अधिक संख्या में बूस्टर डोज सभी लोग लगा पाएँ। जी, आपका एक संस्था कितने समय से चल रही है? जेसीआई शिवपुरी स्वर्णा हमारे शिवपुरी शहर में 2016 से स्थापित है, और 2016 में थोड़ा सा मैं जेसीआई के बारे में बताना चाहूँगी कि जेसीआई एक इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे हमको जो भी सोशल एक्टिविटीज़ मिलती है वो हमको नेशनल हेडक्वार्टर जेसीआई इंडिया के थ्रू मिलती है, और जो भी हमारे पास सोशल एक्टिविटीज़ आती है वही एक्टिविटीज़ को हम लोग अपने शहर के अंदर करते हैं। तो अभी तक कितने वैक्सीन, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? अभी आज जो हमने वैक्सीनेशन शिविर जो लगाया है वो दोपहर 12 बजे से चल रहा है और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। 100 से अधिक संख्या में हम लोग अभी डोज लगा चुके हैं। तो ये आपका अभियान कब तक चलेगा? अभी तो समय हमारा 5 बजे तक का है, और भविष्य में हम लोग सोच रहे हैं कि ये शिविर का आयोजन हम जल्द से जल्द लगाएं ताकि सभी हमारे शहरवासियों को इसका लाभ हो। क्या नाम है? तो मेरा नाम अलका श्रीवास्तव है, मैं जिला चिकित्सालय शिवपुरी में ANM के पद पर कार्यरत हूँ। कोरोना का जो बूस्टर डोज है उसके लिए आज जेसीआई सुवर्णा के द्वारा कैंप लगाया गया, और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ श्रीमती आरती जैन जी का और इनके सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ कि इन लोगों ने आज सभी लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की और एक इस कैंप को अच्छे स्तर तक पहुँचाने की कोशिश की। जेसीआई महिला द्वारा कई और सराहनीय कार्य रह चुके हैं, इस विषय में क्या कहना है? जेसीआई सुवर्णा के द्वारा पहले भी हमारे कोरोना रोधी कैंप लगाए गए और इसमें इन लोगों का बहुत अच्छा, उसमें भी बहुत अच्छा इन लोगों ने अपना दिया था कि बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लिया। इन लोगों ने खुद कॉल करके लोगों को बुलाया। कल मेरे पास एक फ़ोन भी आया था कि क्या कोरोना का वहाँ पर कैंप है? मैंने कहा हाँ, तो बोलते कि अरे आरती जी का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि वहाँ कैंप है और हमको टीके लगवाने हैं। तो इसके लिए इन लोगों का बहुत प्रयास रहा और आज वो सफल भी हुए इस प्रयास में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।